पार्टी की तरफ से जो संविधान संशोधन बिल आया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन अध्यक्ष जी जिस तरीके से आया और जिस नियत से आया उस पर गंभीर सवाल है। अध्यक्ष जी हम इसी सदन के अंदर 5 साल से आप गवाह हैं इस बात की और पूरा सदन गवाह है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके माध्यम से उनकी पार्टी के सांसद के तौर पे मैंने सदन में कई बार कई मौके पर तो मुलायम सिंह जी अरे पार्टी अध्यक्ष की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, पार्टी अध्यक्ष की एक ही बात है। अच्छा पार्टी प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे? अच्छा पार्टी प्रेसिडेंट की बात करना अध्यक्ष जी क्या गलत है क्या? नहीं आपने नहीं अध्यक्ष जी और एक ही बात है नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की। अध्यक्ष जी मैंने कई बार इसी सदन में कहा कि 100 पहले सबसे पहले जाति जनगणना कर लो। 5000 खर्च भारत सरकार कर चुकी है, जहां तक 5000 करोड़, जहां तक मुझे सूचना है रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन रिपोर्ट सामने करने से डर रहे हैं इस बात को लेकर क्योंकि उस जाति जनगणना में जो पिछड़ों की तादाद है वो तकरीबन 65% है। हम चाहते हैं कि उसको पूरा सर्वे कर दीजिए और जिसकी भी जो भी आबादी है चाहे वो अगड़े हो पिछड़े हो दलित हो अनुसूचित हो उनकी आबादी के अनुपात में उन सभी को 100% आरक्षण कर दीजिए। हम समाजवादी लोग इस पक्ष में मैं नहीं समझता इसमें आपको किसी को आपत्ति होगी। और अध्यक्ष जी जहां तक आज के इस बिल का सवाल है मैं आज इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि जो लोगों ने हमेशा रिजर्वेशन के नाम पर लोगों से कहा कि प्रतिभा नहीं है इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है, क्षमताएं नहीं है, बौद्धिक स्तर नहीं इसलिए रिजर्वेशन लोग मांग रहे हैं, आज कम से कम वो लोग भी रिजर्वेशन की वकालत करने लगे। इसका मतलब है कि जो समाजवादी लोग मांगते रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेके नेताजी तक और माननीय अखिलेश जी तक वो हमारी बात एकदम दिक्कत सही थी जिसको आज जाके आपने स्वीकार लिया। सभापति जी जहां हम 100% आरक्षण की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय ही एक ही बात है सभा के सदन को वो चला रही है, बार बार टोकने की जरूरत नहीं 100% अध्यक्ष जी जो लाया गया है ये जो अगड़े लोग 10% जिनके लिए लाया गया है वो भी जानते हैं कि 5 साल की प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद आखिरी दिन आखिरी विधेयक के तौर पे जो लाया गया है ये किस नियत से लाया गया है किस नीति से लाया गया है वो आवाम भी जानता है जिसके लिए आप लाने का प्रयास किए हो। अध्यक्ष जी वही मेरा एक आपसे माध्यम से सरकार से कई सवाल हैं। देश के अंदर समानता होनी चाहिए, अवसरों की समानता होनी चाहिए। कई वक्ताओं ने कहा कि जो लोग पिछड़े हैं इवन हमारे वित्त मंत्री जी भी कह के गए कि जब दौड़ छोटी बड़ी या बड़े लोगों के बीच होती है तो विशेष अवसर की जरूरत पड़ती है, यही बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कही थी। और इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं पिछड़ों की जो तादाद सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बराबरी कर लो SC ST OBC की, उसके बाद केंद्रीय सचिवालय में कर लो, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आपने बनाए उसमें कर लो, जो गवर्नर आपने बनाए उसमें कर लो, जो PSUs में बैठा है उसमें कर लो, जो न्यायपालिका में जो असमानता है उसमें समानता कर लो, जो विश्वविद्यालय में 22 चांसलर अध्यक्ष जी SC ST OBC का कोई नहीं है जरा उसमें समानता कर लो। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।